तो ये जो मेरा टोल है गवर्नमेंट के पूरे प्लान्स हैं एंड इट वुड बी एग्जीक्यूटेड इन अनदर 3 to 6 months. तो जैसे ही ये टोल आगे शिफ्ट हो जाएगा 1,000 से 1,500 square feet का गेन उसी दिन मेरी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाएगा. तो इस वीडियो में आज हम वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे फ्रॉम द ब्रांड उदरेज प्रॉपर्टीज. तो इस प्रोजेक्ट का नाम है उदरेज अरिस्टा एंड दिस इज लोकेटेड इन सेक्टर 79 ऑफ गुड़गांव. तो बेसिकली ये मेरा जो सेक्टर है इट कम्स इन न्यू गुड़गांव के अंदर ही आता है. ये मैं एग्जैक्ट लोकेशन कहूँ तो इस जगह को कहते हैं न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. होना आप लोग कहेंगे कि ये न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड क्या है, ये गोल्फ कोर्स रोड सुना है हमने, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन सुना है, तो ये नई न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड क्या आ गई है. तो इसको हम लोग लेटर पार्ट ऑफ वीडियो में आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे. तो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, से प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज अरिस्टा. एग्जिस्टिंग अगर आपने प्रोजेक्ट, इफ यू आर नोन अबाउट द लोकेशन, गोदरेज 101 एंड गोदरेज आरिया, इसी के अंदर ये प्रोजेक्ट मेरा लोकेटेड है. सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट विद हाई एंड स्पेसिफिकेशन आने जा रहा है. जो 3 ही टॉवर इसके अंदर जैसा कि रहने वाले हैं, हमें 3.5 acres का लैंड होगा. तो मैं बात करूं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में, तो दिस इज सेक्टर 79. इसको अप्रोच नहीं पता, द्वारका एक्सप्रेसवे, अगर आप द्वारका से आ रहे हो द्वारका एक्सप्रेसवे लो. द्वारका एक्सप्रेसवे से यू कैन गो टू क्लोवर लीफ. क्लोवरलीफ से 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे ये मेरा प्रोजेक्ट लोकेटेड है. दूसरा रूट ऑल्टरनेट NH 48, जो एम्बियंस मॉल वाली रोड है, आप वहां से स्ट्रेट आ रहे हो, जो मिकी डोला टोल क्रॉस करते ही रामपुरा का चौक आता है, टेक लेफ्ट एंड 3 kilometers के अंदर जो मेरी प्रपोज 60 meters की रोड है, एक रोड से 3 kilometers के अंदर आप इस साइड पे पहुंच जाएंगे. तो दिस इज द लोकेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, गुड़गांव के अंदर लोकेटेड है एंड दिस एंटायर प्रोजेक्ट फेसेस टूवर्ड्स द अरावली हिल्स. जो भी यहाँ पे रह रहे हैं, बेस्ट टेक का प्रोजेक्ट है. पब्लिकली हमने अंतालिया हिल्स, M3MK और भी अभी गोल्फ हिल्स, तो भी डेवलपर्स के 3-4 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं. नो ब्रांडेड डेवलपर इज देयर एज ऑफ नाउ. अगर मैं कहूँ लिस्टेड और गोदरेज जैसे लेवल का ब्रांड, उसकी डेट में वहाँ पे नहीं है. कमिंग टूवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट के अंदर 3.5 acres के लैंड के अंदर मेरे 3 towers हैं. स्टैंड अलोन टॉवर रहने वाले हैं, हाई एंड स्पेसिफिकेशंस आपको मिलेगी. अगर मैं फ्लैट्स की जो खासियत रहने वाली है, दैट इज द लेआउट, जिसके लेआउट है गोदरेज इसको खुद एक्सल लिख के बोल रहा है. आप 2.5 BHK बोल रहे हो तो वी कॉल इट 2.5 BHK एक्सल, बिकॉज आप किसी भी प्रोजेक्ट से इसको कंपेयर करोगे, दीज आर अ वेरी स्पेशियस लेआउट. इसके अलावा 3 side ओपन फ्लैट्स हैं इसमें, मैक्सिमम फ्लैट्स जो है हमारे 3-sided ओपन रहने वाले हैं. वेंटिलेशन, एयर क्वालिटी एरिया में वैसे ही जो एयर क्वालिटी है, पॉल्यूशन है, वो ऑलरेडी कम है, सो यू विल गेट दैट बेनिफिट ऑल्सो. तो इन टोटल वी आर हैविंग ओनली 202 अपार्टमेंट्स, उसी वो अभी लॉन्च हो रहे हैं मेरे, जिसके अंदर मेरा 2 bedroom, 2.5 bedroom एंड 3.5 bedroom, 3 configurations हम लोग लाने जा रहे हैं. इसमें से अगर मैं आज की बात करूं, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 2.5 बेडरूम मेरा ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, ते ही वो ओवर सब्सक्राइब हो गया था. नाउ वी आर ओनली लेफ्ट विद 2 bedrooms एंड 3.5 bedrooms. इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ये तो मेरे अपार्टमेंट्स रहे, ये जो अपार्टमेंट्स मिलेंगे दैट वुड बी फुली लोडेड कंडीशन. गुड़गांव मेरा हाई एंड स्पेक्स हैं, जैसा मैंने कहा, इटालियन मार्बल, वुडन फ्लोरिंग, लोडेड किचन, ACs, ये सारी चीजें मुझे गोदरेज ऑलरेडी लगा के दे रहा है. आपको सिर्फ अपना फर्नीचर लाना है, आज यू कैन शिफ्ट. जो इसके अलावा जो आउटर फसाड है, SS की और ग्लास की रेलिंग होगी, तो आउटर फसाड भी इट वुड लुक इन लग्जरी फील आपको एक देगा, बिकॉज दिस इज द अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी जो गोदरेज इसको बनाने जा रहा है. सो कमिंग टू वर्ड्स The investment opportunity, 9 reasons why you should invest in Godrej Arista. So first reason is last sector of Gurugram.
तो मेरा न्यू गुड़गांव का ये लास्ट सेक्टर है, इसके बाद सारा अरावली इसका व्यू है। तो वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस यू कैन लिव इन गुड़गांव एंड वन ऑफ द बेस्ट डेवलपिंग लोकेशंस। ऐसा नहीं है कि एरिया डेवलप ही नहीं होना, एरिया डेवलप हो रहा है। सेकेंडली पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अगर आप आज भी उस साइट पे जाते हो तो यू विल फील एंड यू विल सी कि पॉल्यूशन लेवल्स आर लेस, रेडिएशन लेवल्स आर लेस, हमें आजकल बर्ड्स देखने को नहीं मिलती, तो वो चीज़ें वहाँ पे आज भी आपको दिखती हैं। बट जो इस इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ देगा दैट इज़ क्लोवर लीफ, जो मेरा हम एक्सप्रेस वे से आते हैं तो देर इज़ अ क्लोवर लीफ जो आपको SPR पे कनेक्ट करता है। तो दिसंबर के अंदर उसकी अनाउंसमेंट अभी बाकी है एंड उसको पब्लिक यूज के लिए खुलना रहता है। इसे तो जिस दिन उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी पे एक्सप्रेस वे मेरे ऐसी चीज है कि जो दिल्ली को गुड़गांव से कनेक्ट कर रहा है विद इन 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे। एंड अगर मैं कहूँ कि जिस दिन क्लोवर लीफ की अनाउंसमेंट हो जाएगी 500 से 1000 पर स्क्वायर फीट का गेन उसी दिन मेरे इस प्रोजेक्ट में आ जाएगा। फोर्थ एक्सप्रेस वे कम्प्लीशन, द्वारका एक्सप्रेस वे मेरा आज कम्प्लीशन की तरफ जा रहा है। गुड़गांव साइड का आज हम लोग वहाँ पे गाड़ी लेके जा सकते हैं, यू कैन ट्रैवल थ्रू एक्सप्रेस वे। और जो दिल्ली साइड के जो पैचेस हैं अभी वो बनने रह गए हैं, विद इन एक साल के अंदर जैसे वो बन जाएंगे और दिल्ली की कनेक्टिविटी स्ट्रांग होगी तो जो लोग NH8 यूज करते हैं वो एक्सप्रेस वे यूज करेंगे। दैट वुड बी द रीजन जो एक्सप्रेस वे से SPR को कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन अप करेगा, फुल दिन आपकी इन्वेस्टमेंट को गेन देगा। फिफ्थ इज जो मेरा खिड़की डोला का टोल, इस एरिया पे जो हम NH8 से अगर हम आते हैं तो आज हमें वहाँ पे टोल देना पड़ता है और टोल देके रामपुरा चौक आता है जहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं। ये जो मेरा टोल है गवर्नमेंट के पूरे प्लान्स हैं एंड इट वुड बी एग्जीक्यूटेड इन अनदर 3 to 6 months। जैसे ही ये टोल आगे शिफ्ट हो जाएगा कार से 1500 स्क्वायर फीट का गेन उसी दिन मेरी इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि आज न्यू गुड़गांव जो है मेरा, कंपैरेटिवली अगर मैं एक्सप्रेस वे की बात करूं या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात करूं तो ये सस्ता होने का रीजन ही यही है कि वहां पे टोल है बीच में। तो ये टोल गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रपोज कर चुकी है हटाने का, तो जैसे ये टोल हटेगा यू कैन एक्सपेक्ट अ गेन। सिक्स इज कमर्शियल डेवलपमेंट ओवर द एरिया, सेक्टर 74-75 आज वहां पे साइबर सिटी 2 ऑलरेडी प्लान है, जो कि ये मेरा 79 है एंड दिस इज अराउंड 5-10 मिनट्स के डिस्टेंस पे ये सेक्टर है। साइबर सिटी 2 DLF की प्लान है और भी कमर्शियल वहां पे प्लान है ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू मास्टर प्लान। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये चीजें होंगी तो यू कैन एक्सपेक्ट अगेन। सेवेंथ पॉइंट इज कनेक्टिविटी विद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि दिस इज कॉल्ड एज न्यू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, तो जो मेरी गोल्फ कोर्स रोड है वो आज की डेट में वहाँ पे 30,000-35,000, इवन अगर मैं कैमेलियास की बात करूँ तो दैट इज 1 lakh रुपीज स्क्वायर फीट। तो 30,000 का 35,000 का रेट आज वहाँ पे है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे। हम उसके आगे आ जाते हैं गोल्फ कोर्स के बाद, तो वहाँ पे मेरा 20-21,000 रुपये का रेट है, क्योंकि अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भी बस चुका है काफ़ी हद तक। तो दिस इज अ न्यू एरिया कमिंग अप इन द ट्रेंड जो आगे इन्वेस्टर्स का कीन इंटरेस्ट बना हुआ है जिस एरिया के अंदर। सो जैसे जैसे इसकी कनेक्टिविटी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन से बनेगी तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गेन, क्योंकि आज जो मैं रेट इसका दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 11-12 हज़ार रुपए के बीच में और वहां का रेट है 20,000 रुपए, तो जो एक गैप है वो कहीं ना कहीं कवर अप होगा। एट्थ पॉइंट इज ग्लोबल सिटी। इफ यू आर अवेयर अबाउट द एक्सप्रेस वे से जो हमारा सेक्टर 34 आता है बीच में, इधर मेरा क्लोवर लीफ आ जाता है, इधर मेरा सेक्टर 34 एंड दिस इज ऑन द एक्सप्रेस वे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी ग्लोबल सिटी प्लान है। यहाँ पे क्रिसुमी के भी प्रोजेक्ट्स हैं आज की डेट में, तो ये ग्लोबल सिटी भी इस प्रोजेक्ट को बूस्ट देगी, वहाँ पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको कुछ ना कुछ तरीके से ग्रोथ देगी। नाइन्थ इज हाई एंड स्पेसिफिकेशंस एंड लेआउट्स। अगर मैं उस पूरे एरिया की बात करूँ सेक्टर 79 की, तो आज की डेट में वहाँ पे कोई भी A+ ग्रेड का डेवलपर नहीं है जो कि लिस्टेड डेवलपर हो, गोदरेज के लेवल का हो। तो गोदरेज इज द ओनली डेवलपर ओवर देयर, हाई एंड स्पेसिफिकेशंस कंपनी देने जा रही है। जो भी वहाँ पे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं वो आज की डेट में पुराने बने हुए हैं, तो एक तो मेरे को ब्रांड की चीज़ मिल रही है एंड सेकेंडली मुझे हाई एंड चीज़ मिल रही है, क्वालिटी की चीज़ मिल रही है। इट इज़ अगेन
एक डिमांड सप्लाई का गैप रहेगा, डिमांड ज्यादा रहेगी और सप्लाई कम मिलेगी, तो दिस विल ऑल्सो गिव बूस्ट टू योर इन्वेस्टमेंट. सो दीज आर ऑल द रीजंस एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट गोदरेज अरिस्टा सेक्टर 79. सो वी आर द ऑथराइज चैनल पार्टनर ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज. वी आर रेरा रजिस्टर्ड अंडर हरियाणा रेरा. यू कैन कॉन्टेक्ट अस फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी on this above number, and we would be happy to assist you. Thank you so much.